बोलो क्या डाउट है तुमको, किसका डाउट है? अच्छा ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग फो का पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। क्या करे, तुम उन लोग को लिख दिया ना, क्वेश्चन 5 से आ सकते हैं वो लोग। ठीक है चलो, कैलकुलेट द टू सेट ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, निकालो तुम लोग। पहला एक S1 निकाल लो, विच इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सैंपल 1 माइनस मीन ऑफ सैंपल 1, S1। ठीक है, मेक श्योर यू पेस्टिंग द आंसर्स एज वेल। S2 कॉपी पेस्ट। यही तो करना है ना, सैंपल 2 का सारा वैल्यूज माइनस हो जाएगा उसके मीन से, एंड उसका पूरा एब्सोल्यूट लेना है हमें। एब्सोल्यूट मॉड दिया हुआ भी है हिंट में। आई सॉरी, देख लो आंसर्स मैच कर लो, मेक श्योर यू राइट पार्ट ए ओवर हियर। नेक्स्ट इज परफॉर्म अ टू सैंपल टी टेस्ट ऑन द टू सेट ऑफ डेविएशंस। तो सी टी टेस्ट करेंगे, S1 S2 कॉन्फिडेंस इंटरवल आप डाल सकते हो। जीरो पॉइंट नाइन फाइव एंड वेरियंस में क्या लेंगे मत भूल जाना, इसको ट्रू करना अदरवाइज गलत हो जाएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट्स फॉल्स, बट वी हैव टू यूज दिस बिकॉज वी हैव मेड दिस अजम्पशन राइट। तो हमारा आउटपुट भी पेस्ट होगा, मेक श्योर आप लोग आउटपुट भी पेस्ट करो। पी वैल्यू इज लेस देन 4%, 5%। हाँ, तो लेस देन हुआ ना, सो पी वैल्यू इज लेस देन 5% एंड हेंस वी कैन से दैट सिंस द पी वैल्यू इज लेस देन 5%, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी कैन से दैट द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस आर नॉट इक्वल। अब ये हमने किस लिए करा था, टू शो बेसिकली कि आपका वेरियंस इक्वल है कि नहीं ऑफ द टू सैंपल्स। तो इससे क्या प्रूव होता है कि वेरियंस ऑफ द टू सैंपल इज नॉट इक्वल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पार्ट टू में प्रूव हुआ है कि वेरियंस इक्वल है, यहां प्रूव हुआ है कि वेरियंस नॉट इक्वल है। तो क्या करें, कौन सा चीज यूज करें राइट? एक जगह आप बोल रहे हो वेरियंस इक्वल है, एक जगह आप बोल रहे हो वेरियंस नॉट इक्वल है। तो इसको क्लियरली लिखो, पी वैल्यू इतना आ रहा है, 5% से कम है, वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपो, 5% से कम है, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड वी से दैट द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन इज नॉट इक्वल एंड हेंस द वेरियंस अजम्पशन डज नॉट होल्ड ट्रू। देखो ये पूरा, सो कमेंट को रीड करो, इस पूरे कमेंट को।
ना। कौन अच्छा पढ़ाते हैं? मैम ही सर। ठीक है, रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द कंक्लूजन। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या कंक्लूजन? एक जगह हम लोग टेस्ट को एक्सेप्ट करें और एक जगह टेस्ट को रिजेक्ट करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि द टू टेस्ट गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, बट पी वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 5% ओवर हियर, एंड वहां पी वैल्यू क्या आ रहा था पार्ट टू में? ये वार्ड और टेस्ट का पी वैल्यू वेरी क्लोज टू अगेन 5%, सो यू विल से द पी वैल्यू इज क्वाइट सिमिलर, द पी वैल्यू इज क्वाइट क्लोज टू 5%, बट द आउटपुट और द रिजल्ट फॉर द टू डिफरेंट टेस्ट गिव्स अस द डिफरेंट रिजल्ट्स, क्योंकि इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, सो यू नीड टू इलैबोरेट। तो आप लोग क्या लिखोगे? द टेस्ट गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, पी वैल्यू इज सिमिलर। अगेन ऐसे लिखने से नहीं होगा, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इट बेटर कि इसका पी वैल्यू 4.7% है, इसका पी वैल्यू 6.5 है, वेरी क्लोज टू 5%, हेंस वी आर जस्ट रिजेक्टिंग इन वन केस एंड जस्ट एक्सेप्टिंग इन वन केस। सो पी वैल्यू इज क्वाइट सिमिलर, बट द आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट इन टू डिफरेंट टेस्ट आर डिफरेंट। एक बार सुन लो फिर लिखना। कमेंट ऑन वेदर और नॉट द इक्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स कैन स्टिल बी टेस्टेड। तो अब हम लोग क्या अभी भी वेरियंस पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग ये कर सकते हैं? क्योंकि एक केस में आप बोल रहे हो वार डॉट इक्वल ट्रू होगा, एक केस में आप बोल रहे हो वार डॉट इक्वल फॉल्स होगा, तो किस बेसिस पे आप लोग मीन का टेस्ट करोगे? तो अब हम लोग बोलेंगे हम लोग कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव टेस्ट ढूंढ सकते हैं जो हम लोग को अलाउ करे कि वेरियंसेस आर डिफरेंट। टी टेस्ट में हमने क्या देखा था? टी टेस्ट में यूजली हम यूज करते हैं व्हेन द पॉपुलेशन मीन्स आर पॉपुलेशन वेरियंसेस आर इक्वल, बट इफ योर पॉपुलेशन वेरियंसेस आर नॉट इक्वल तो क्या करेंगे? तो वी कैन लुक फॉर एनी अदर टेस्ट that will allow for the variance to be different and then you compare the result. जैसे यहां हमने क्या किया टी डॉट टेस्ट में, यहां हमने लिया दैट वार डॉट इक्वल ट्रू, सेम करो वार डॉट इक्वल फॉल्स के लिए एंड देखो क्या आंसर आता है एंड हाउ डिफरेंट इज द आंसर। यू जस्ट हैव टू कमेंट, यू जस्ट डोंट हैव टू कैलकुलेट। तो इन्होंने वही लिखा है, वी जस्ट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट टेस्ट दैट अलाउज फॉर वेरियंसेस टू बी डिफरेंट and then you compare the tests that you have done in part 3A. तो part 3A में आपने किया था var dot equal true. अब आप same चीज करो जहां पे आप var dot equal false लोगे and then you compare the result what you are getting. Got it? वो क्यों लिखेंगे यहाँ पे? Does not make sense. वो क्यों लिखेंगे इधर? Does not make sense. क्वेश्चन ही कुछ और है। ठीक है, क्लियर? इसको लिख लो, टाइप करो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू टाइप। मैं एक ही पेपर कराऊंगी आज। ये करने के बाद हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करके खत्म करेंगे क्लास। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज टाइप एंड डू दिस प्रॉपरली। मैम एक बार अभी का रिपीट कर दोगे आंसर और क्वेश्चन भी, मतलब एक्सप्लेनेशन? यही बोला मैंने कि आपको एक दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा जहां वेरियंस को अलग लोगे। जैसे आपने पार्ट 3 में वेरियंस इक्वल किया था, तो अलग टेस्ट करेंगे जहां पे वेरियंस को हम लोग डिफरेंट लेंगे एंड देन वी विल कंपेयर द रिजल्ट्स। ओके।
तो यार जस्ट कमेंट करना है तो वो करके नहीं दिखाना है ना, क्या? यहाँ पे जस्ट कमेंट करना है तो वो सॉल्व करके नहीं दिखाना है ना। नहीं, ओके एक एक सेकेंड. हाँ, आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टैटिस्टिशियन इज कैरिंग ये वाला. हाँ, अ स्टैटिस्टिशियन इज कैरिंग आउट एन एक्सपीरियंस टू एनालाइज अ डेटा सेट एंड डिस्क्राइब्स द फेलियर टाइम्स ऑफ आउटडोर टेलीफोन केबल्स विथ रिस्पेक्ट टू द केबल मटेरियल क्वालिटी ग्रेडेड 1 to 4 एंड लेवल ऑफ रेनफॉल एंड सेंटीमीटर दैट द केबल इज एक्सपोज टू. तो बेसिकली क्या क्या डेटा है दैट डिस्क्राइब्स द फेलियर टाइम्स ऑफ आउटडोर टेलीफोन केबल्स है, कितने बार वो फेल हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द मटीरियल ऑफ द टेबल केबल. सॉरी, 1 से 4 तक का क्वालिटी डिफर करेगा. 1 हो सकता है क्वालिटी, 2, 3, 4, एनी विच. एंड उसका क्या फेलियर टाइम है एंड द लेवल ऑफ रेनफॉल. ठीक है, दिस इज एवरीथिंग स्टोर्ड इन केबल्स डेटा सेट डॉट सी एस वी. अगेन द सेम थिंग, प्लीज डू नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द जिप, मेक श्योर यू अनजिप इट. तो मैंने ऑलरेडी इधर अनजिप कर लिया था एंड प्लीज सी मैं कैसे कर रही हूँ. फिर आप लोग करना, इस पे क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट सी. कंट्रोल शिफ्ट सी करने से वो कॉपी हो जाएगा एंड दिस इज आंसर नंबर 5. ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि फिट अ लीनियर मॉडल टू द डेटा विथ फेलियर टाइम एज द रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग बोथ केबल मटेरियल एंड लेवल ऑफ रेनफॉल एज द टू कोवेरियंस. सो इट्स अ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल. योर आंसर शुड इंक्लूड अ समरी. तो डेटा में स्टोर कर देंगे रीड डॉट सी एस वी, ये पूरा चीज. एक बार चेक कर लो कैसा लग रहा है डेटा देखने में. यू हैव एक्स, एक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ रो, फेलियर टाइम, मटेरियल टाइप एंड रेनफॉल. तो ये हम लोग का डेटा आ गया. अब पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन. क्या
फिर से तुम वो किए जिप फाइल से ले लिया किसको जिप फाइल सीएसवी फाइल को सीएसवी को कि पूरा फोल्डर को सीएसवी को किया है ये यूज किया डबल हैश डबल स्लैश सॉरी सब जगह डबल स्लैश किया है तुम अच्छे से फाइल पाथ नहीं कॉपी किया है हाँ लीनियर मॉडल फिट इन करो तो फिट कंट्रोल शिफ्ट सी मैं फिट वन में डाल रही हूँ लीनियर मॉडल यू कैन राइट फेलियर डॉट टाइम which is the response variable they are asking us to take and dot but lagana dot lagane se kya problem hoga they will take this x also to hame khali material type chahiye plus hame khali rainfall chahiye aaya kya problem tha data equals data so hamara fit one complete hai they have asked us to output the summary So summary of fit one, and this is what you will get. Let's interpret the summary. हाँ नहीं मैंने इधर डेटा डाल लिया ना डेटा इक्वल्स डेटा किसमें एलएम में देखो घुमाओ ऐसे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट बोल रहा है तुम स्पेस यूज किया है इधर हैश के ये कोलन इस कोट्स के बाद नहीं नहीं बाकी चंगू मंगू बाकी चंगू मंगू आओ हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही किए बस डेटा लोड किए मेरे लिए भी ले आता अपने लिए लेके आया तो नहीं हम तुम्हारा झूठा नहीं पीएंगे नहीं दूसरा लेके आ सुजल जितना इंटेलिजेंट है ना रीड करो समझ जाएगा सबका हो गया भाई इतना स्लो तुम लोग करेगा तो कैसे होगा भाई वरना 50 मिनट्स को तुम लोग 4 आवर्स लगाएगा मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा तुम लोग का कैसे होगा टेंशन से हो गया मेरे को तो बहुत ज्यादा
आगे कर ले भाई खुद से, हम तो इन लोग का वेट कर रहे हैं। हुआ डेटा पता नहीं पहले स्पेस नहीं था तो पता नहीं हो, अभी वापस स्पेस करके स्पेस हटाया। हमें तेल छूटता है लेकिन, अरे हम ना वो अटैच करते हैं ना कभी कभी कुछ अटैच है ना। अटैच फंक्शन वर्क नहीं करता, अटैच फंक्शन मत यूज क्या करो। चलो नेक्स्ट, अभी इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं बा प्लीज देख लो। सो मटेरियल टाइप का पी वैल्यू इज लेस देन 5%, मतलब ये सिग्निफिकेंट है। बट रेनफॉल का मोर 90% है, मतलब रेनफॉल इज इनसिग्निफिकेंट इन प्रिडिक्शन ऑफ द फेलियर टाइम। टोटल मॉडल का अगर हम लोग देखें तो हमारा पी वैल्यू पूरे मॉडल का आ रहा है लेस देन 5%, मतलब हमारा मॉडल इज सिग्निफिकेंट। आई थिंक दे विल आस्क अस टू कमेंट ऑन दिस, नॉट श्योर। स्टेट द फॉर्मूला इन पार्ट वन क्लियरली एक्सप्लेनिंग द नोटेशन दैट यू यूज। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे इधर? हाँ, वाई हैट, y hat equals इंटरसेप्ट टर्म कौन सा है हमारा? ये इंटरसेप्ट है? हाँ, इंटरसेप्ट प्लस बीटा वन कौन सा है? ये हमारा बीटा वन है, बीटा वन इंटू एक्स वन प्लस बीटा टू इंटू एक्स टू। नाउ यू एक्सप्लेन व्हाट इज एक्स वन एंड एक्स टू। एक्स वन इज द मटेरियल टाइप वेरिएबल, एक्स टू इज रेनफॉल रेनफॉल वेरिएबल। 0.08106 इज वाई हैट का लिख दो। वाई हैट इज द फिटेड वैल्यू ऑफ व्हाट? फिटेड वैल्यू ऑफ व्हाट? y hat is fitted value of failure time। करो इसको, जिसका हो गया वो नेक्स्ट में जाओ। ये पार्ट टू का ए है, सो मेक श्योर यू गिव द वही तो बोला तो मैंने, कर दिया डिफाइन। यू हैव टू डिफाइन एक्स वन एंड एक्स टू। ये नहीं बोला मैंने कि यूज करेंगे, मैंने ये बोला कि पी वैल्यू देखो, क्योंकि क्वेश्चन देखो, रीड करो, क्वेश्चन में लिखा है मटेरियल टाइप एंड रेनफॉल को यूज करना है। क्योंकि मटेरियल क्वालिटी इज ओनली मटेरियल टाइप ना। नेक्स्ट पार्ट हो गया यहां तक? करो करो।
प्लीज हो जाए तो बोलना सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ मॉडल फिटेड। तो वही चीज जो हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू द आउटपुट व्हाट वी कैन सी, पी वैल्यू फॉर मटेरियल टाइप इज लेस देन 5% एंड इट्स सिग्निफिकेंटली लो, इट्स इवन लोअर देन 1%, है ना। बट द रेनफॉल पैरामीटर इज वेरी हाई एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेरी हाई एंड ग्रेटर देन 5%, है ना। सो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट और क्या बोलोगे, फाइनल पी, तुम लोग को खाली पैरामीटर्स के लिए बात करने बोला है, तो हम लोग को बाकी फुल मॉडल कैसा है, एफ टेस्ट क्या आ रहा है, आर स्क्वायर क्या आ रहा है, वो सब हम लोग को नहीं बोलना। दे हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट पैरामीटर्स। तो तीन पैरामीटर है, इंटरसेप्ट, बीटा वन, बीटा टू। इंटरसेप्ट के लिए भी बोलोगे दैट द इंटरसेप्ट पैरामीटर, द पी वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज लेस देन 5%, हेंस इट इज सिग्निफिकेंट। मटीरियल टाइप इज ग्रेटर देन लेस देन 5%, इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली। वेन यू से सिग्निफिकेंट, इसका क्या मतलब था, वॉट वॉज द नल हाइपोथेसिस, बीटा equals to zero and null alternative is beta not equal to zero. तो आप बोल रहे हो पहला दोनों के केस में reject कर रहे null hypothesis, मतलब beta is not equal to zero. That is what you want to say ना, it's not zero. If it is zero, then इसका कोई meaning ही नहीं है, हटाओ। अगर ये beta zero है तो ये हटाओ ना, x1 आपको रखना ही नहीं है। तो intercept and material type both are significant, मतलब both are not equal to zero, both are different from zero, whereas for the rainfall we see that the p value is greater than 5%, it's very very high, and so we can say that the rainfall is, rainfall variable is insignificant. theek hai, rainfall parameter is insignificant, matlab it is close to zero, it is zero, to beta 2 lene ka zarurat hai nahi. इसको रीड करो सॉल्यूशन को। अगर इक्वल टू जीरो होता तो उसको लेते हैं, कंफ्यूज हो गया तुम। ग्रेटर देन जीरो, हम लोग का जब ये ग्रेटर देन 5% आ रहा है, मतलब तुम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब बीटा इक्वल्स टू जीरो बोल रहे हैं तुम, और बीटा जीरो का मतलब क्या है ना। इसको रीड करूं और इसको टाइप करूं, डाउट है तो पूछो। अच्छे से टाइप करूं,
नेक्स्ट देख देख के मत टाइप करो, प्लीज खुद से टाइप करो, ऐसे तुम लोगों को कमेंट करने का हैबिट नहीं आएगा। Plot the residuals of the model in part 1. Comment on the plot created in part 3A. तो residuals plot करो। कैसे plot करेंगे? Plot resid of, ठीक है? And then they are asking to comment. चलो एक एक करके comment करो। Scattered है। देर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न, ऑल आर स्कैटर्ड अराउंड जीरो। ये वाला जीरो का लाइन दिख रहा है इधर? हाँ, बना भी सकते हो ए बी लाइन, बट जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जीरो का लाइन ऊपर नीचे स्कैटर्ड है, सो द रेसिडुअल्स आर इक्वली स्कैटर्ड अक्रॉस जीरो। हाउएवर वी सी अ, ये क्या है, एक दिख रहा है आउटलायर? We see a outlier. कौन सा नंबर पॉइंट है ये? आई थिंक सिक्स्थ पॉइंट हो सकता है ये, फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 है ये? नहीं, अराउंड सिक्स मत लिखो। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ सिक्स्थ पॉइंट, हाँ सिक्स्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि वो काफी दूर है फ्रॉम, इट्स वेरी लोअर, इट्स वेरी फार अपार्ट फ्रॉम जीरो एज कंपेयर टू दी अदर रेसिडुअल। सो वी कैन से दैट दिस इज अ इन, दिस इज अ आउटलायर, दिस इज एन आउटलायर। ये पूरा कमेंट करो। सो वी कैन से दैट दिस इज एन आउटलायर। तो सुन लो, पहले हिंदी में सुनो। जो पॉइंट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं अक्रॉस, इक्वली स्कैटर्ड हैं अक्रॉस जीरो, बट खाली एक पॉइंट दिख रहा है अराउंड सिक्स्थ पॉइंट व्हिच इज वेरी फार अपार्ट फ्रॉम जीरो, हेंस वी कैन से दैट दिस इज एन आउटलायर। बोलो। मैम, हम बोल रहे थे कि लाइक वो जो सिक्स है उसको हम लोग लाइक ऐसे भी बोल सकते कि द पॉइंट नियर फाइव, क्योंकि वो सिक्स है, वो पर्टिकुलरली मेंशन भी नहीं है। मेंशन तो कहीं नहीं होगा ना, आपको देख के समझ में आएगा ये सिक्स पॉइंट ही हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैसे, तो अराउंड सिक्स बोलो, फाइव नहीं। ओके मैम, क्लियरली दिख रहा है कि आपका 1 पॉइंट 2nd 3rd 4th। एंड अगर और कंफ्यूजन हो, व्हाट आई वुड हैव डन, रेसिड फिट वन कर लो, ठीक है? आई एंड पॉइंट्स चेक कर लो ना, देखो ये काफी अलग है बाकी सबसे, सबसे हाई है ये वाला ही, सिक्स पॉइंट ही। ठीक है, मैम जो प्लॉट में हम प्लॉट ऑफ मॉडल 1,1 लिखते हैं जब रेसिडुअल वर्सेस फिटेड करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली तभी करेंगे जब क्वेश्चन में बोला गया होगा? जब बोला है, जब बोले बोलेंगे, करेक्ट। खाली यहाँ पे रेसिडुअल्स प्लॉट करने बोला है, ये नहीं बोला कि रेसिडुअल्स अगेंस्ट फिटेड वैल्यूज या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेसिडुअल, स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल्स, वो सब कुछ नहीं बोला। तो 1,2 नहीं करना है अभी के लिए। समझ के रखो कि कब करते हैं 1,1, आप कब करोगे? जैसे देखो प्लॉट फिट 1,1 का आप फिटेड वैल्यूज के अगेंस्ट रेसिडुअल्स करते हो, 2 इज आई थिंक स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स, तो वो बोलेंगे क्लियरली। अभी नहीं बोला, अभी खाली सिंपल रेसिडुअल्स प्लॉट करने बोला, अगेंस्ट फिटेड वैल्यूज या वो सब कुछ भी नहीं बोला। क्वेश्चन 4, एन एनालिस्ट सजेस्ट दैट द सिक्स्थ रो ऑफ द डेटा कैन बी रिमूव्ड, वही चीज बोल रहे हैं। अब यहाँ जब बोल दिया ना, तो ऊपर जाके अगर आपने 5 लिखा भी था, गो बैक एंड चेंज इट। नाउ यू आर वेरी, प्लीज बी
वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. यहाँ क्योंकि डायरेक्टली सिक्स थ्रो बोल दिया है, तो अगर आपने समवट यहाँ पे फाइव लिखा भी होता इस वाले डायग्राम में, सो मेक श्योर यू गो बैक एंड चेंज इट टू सिक्स पॉइंट. कंस्ट्रक्ट द न्यू डेटा सेट विद द सिक्स थ्रो रिमूव्ड. तो हम लोग जो नया डेटा बनाएंगे, लेट्स सपोज डेटा टू, उसमें हम लोग इंडेक्सिंग करके कैसे हटाएं? ऑल कॉलम्स माइनस सिक्स एंड ऑल कॉलम्स, क्योंकि इट्स अ डेटा फ्रेम और इट्स अ मैट्रिक्स जो भी कंसिडर करना है, तो आपको सिक्स थ्रो हटाना है एंड सारे कॉलम्स रखने हैं. ठीक है, रन करो. डेटा टू आ गया एंड तो ये न्यू डेटा सेट बन गया हम लोग का. यू कैन ऑल्सो रन दिस एंड शो देम, सो वी कैन सी दैट द सिक्स थ्रो इज नॉट देयर. नहीं, कोई देखो नहीं, इसे समझ में आ रहा है ना? हम लोग को नंबरिंग ही तो दिखाना है इधर की, फाइव के बाद उसके बाद वाला क्वेश्चन एक बार खुद से करो. डेटा देखो भी ऐसे समझ में आ बाकी सबका देखो रिस्पॉन्स
पूरा छापती है और जो ऑप्शन था ना गवर्नमेंट वाले पे अरे वो हम लोगों को फाइनल का टेस्ट या गूगल फॉर्म में एमसीक्यू भेज दिया ना कंप्यूटर में और तो बोलते नो वंडर कॉपीज का मशीन में बता कैसे करना ठीक है चलो नेक्स्ट बोल रहे जस्टिफाई द रिमूवल ऑफ सिक्स्थ रो फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा तो कैसे जस्टिफाई करेंगे हम लोग बोलेंगे द प्लॉट इन पार्ट 3B या 3A showed that the sixth point, the residual of the sixth point is very high compared to the other residuals. Hence, suggesting that the sixth point is an outlier. ठीक है? दो लाइन लिखा तो टू द पॉइंट लिखना है अच्छे से लिखना है कुछ भी रबिश नहीं सब सेंसफुल सेंसिबल फिट अ लीनियर मॉडल टू द न्यू डेटा सेट कंस्ट्रक्टेड इन पार्ट 4A फिट अ लीनियर मॉडल टू द न्यू डेटा सेट कंस्ट्रक्टेड इन पार्ट 4A सेम चीज सेम फंक्शन फिट टू लिख देना डेटा टू फिट टू बोला नहीं है समरी निकालने आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में बोलेगा कमेंट ऑन द फिट कंपेयर टू मॉडल इन पार्ट 1 बाय कंपेयरिंग द स्टैटिस्टिक्स तो अब हम लोग वापस से बोलेंगे अब देखो पी वैल्यू और ज्यादा क्लोज टू जीरो चला गया ऑफ द इंटायर ये लिखना नहीं है जस्ट फॉर डिस्कशन फॉर द इंटायर आप लोग लिख भी सकते हो आई थिंक बिकॉज इन्होंने ओवरऑल फिट बोला है तो हम लोग बोल सकते हैं कि द पी वैल्यू फॉर द इंटायर मॉडल हैज बिकम मोर क्लोजर टू जीरो विच सजेस्ट दैट द मॉडल इज अ गुड फिट ये पहला दूसरा एडजस्टेड आर स्क्वेयर हम लोग का कितना है 0.74 पहले कितना था 0.47 तो इंक्रीज होने का मतलब इट हैज मतलब बेटर हो गया सो द एडजस्टेड आर स्क्वेयर फॉर द सेकेंड मॉडल हैज गॉन अप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द आउटलायर विच शोज विच स्टेट्स दैट द फिट हैज इम्प्रूव्ड पहले हम लोग ने कितने डेटा पॉइंट्स लिए थे 20 डेटा पॉइंट्स में से एक हटाया तो 19 डेटा पॉइंट्स यूज करके आप बना रहे हो ना सो योर एडजस्टेड आर स्क्वायर हैज इंप्रूव्ड पहले 0.4 समथिंग था अभी 0.74 हो गया ठीक है ये आपको ओवरऑल बताना है पी वैल्यू का भी ऐसे लिख सकते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर का भी ऐसे लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट है ना लेस देन 5% होने से हाइपोथेसिस होता है कि मॉडल इज नॉट अ गुड फिट मॉडल इज अ गुड फिट वैसे बट वो आई थिंक जरूरी नहीं है मतलब ये पी वैल्यू आप उस पे करते हो
अनोवा टेस्ट का जो पी वैल्यू होता है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड. तुम खाली एडजस्टेड आस्को या कभी बोलेगा तो चलेगा. नेक्स्ट AIC भी. हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता ना, आपको पूरा ओवरऑल मॉडल फिट का करने बोला है. क्वेश्चन रीड करो. बोला है पूरा मॉडल कैसे बेटर हुआ है, आंसर देख लो. ठीक है. फिट जीएलएम टू द डेटा सेट कंस्ट्रक्टेड इन पार्ट 4A यूजिंग गामा. लीनियर मॉडल में अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल. यहाँ पे गामा फिट करने बोले तो लिख दो फिटिंग अ गामा जीएलएम. फिटिंग अ गामा जीएलएम कौन सा फंक्शन, फिट 3. हाँ जीएलएम अंदर का सेम होगा ना, तो मैं एक बार अंदर का खाली कॉपी. डेटा 2 लेके बोला है कि डेटा 1, डेटा 2 लेके ही बोला है, कुछ बोला नहीं है तो डेटा 2 ही लेंगे क्या. बोला है तो मैम बोला है यूजिंग पार्ट 4A. हाँ नहीं बोलता तो भी वही लेते हैं. ठीक है. उसके बाद एक चीज और क्या जाएगा इसमें, फैमिली. फैमिली बाय डिफॉल्ट गॉसियन होता है, हम क्या करेंगे, कहाँ मिलेंगे डिफरेंट फैमिलीज. फैमिली गामा. ठीक है. लिंक इनवर्स लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इट्स फाइन बिकॉज बाय डिफॉल्ट वही रहेगा. लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. बट यूजली नहीं चेंज होता है लिंक. गामा का इनवर्स ही होगा जैसे बाइनोमियल का लॉजिट होता है. ठीक है, उसको रन कर लो. पार्ट बी बोला है स्टेट द फॉर्मूला क्लियरली एक्सप्लेनिंग द नोटेशन. अब यहां पे इसको सबसे पहले तो पार्ट 6B में हम लोग फिट 3 रन करेंगे, तो हम लोग का इंटरसेप्ट मटेरियल टाइप एंड रेनफॉल का बीटा वैल्यूज आ गया. कैसे लिखते थे याद है, ईटा हैट ईटीए लिखते हो कि आईटीए. ईटा
ईटा हैट इक्वल्स क्या होगा, ये सारा ना। हाँ स्टेट द फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला होगा। इनटू एक्स वन एक्स वन एक्स टू डिफाइन करो, ईटा हैट डिफाइन करो। ईटा हैट क्या है, ईटा हैट इज, डोंट यू थिंक ईटा हैट क्या होता है, इक्वल्स टू ये जो पूरा वो हो गया आपका, बट आप एक क्या लिखते हो, हाँ ये जो लिंक है, लिंक लिंक फंक्शन इनवर्स है, मतलब ये वन बाय म्यू है ना। अगर अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, जैसे हम लोग अगर गॉसियन बोले तो गॉसियन के केस में ईटा हैट इक्वल्स टू म्यू रहता है, इफ यू ऑल रिमेम्बर कैनोनिकल लिंक फंक्शन। ये लिंक मतलब कैनोनिकल लिंक फंक्शन ही हुआ, बायनोमियल में आपका लॉजिट मतलब म्यू बाय वन माइनस म्यू, ठीक है, पॉइजन में लॉग म्यू, तो ऐसे सबका अलग अलग होता है। तो इनवर्स गॉसियन का मतलब वन बाय म्यू है, आई थिंक कैनोनिकल लिंक फंक्शन दिया हुआ है तुम लोग के टेबल बुक में, एक बार चेक करो, एक बार पेज नंबर बताओ मेरे को चेक करके क्विकली। सो ऐसे पूरा लिखना होगा, या फिर आई थिंक आई गेस दिस पार्ट कैन गो हियर। एक बार चेक करो, डी ड्राइव में मेरे पास शायद। कोई और नाम से ही होगा, गोल्डन बुक। अब मेरा इसमें पता नहीं ना। हाँ हाँ ठीक है। तो गामा का इट इज ये जो हम लोग जी यू है, जी म्यू है, दिस इज अ कैनोनिकल और दिस इज इक्वल्स टू ईटा लिखते हैं, एंड ईटा हैट इक्वल्स टू वो पूरा फंक्शन, ठीक है, तो वन बाय म्यू। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा लिखना होगा तभी मार्क्स मिलेगा, एंड यू एक्सप्लेन। सो यू कैन एक्सट्रैक्ट, आइदर यू कैन टाइप दिस और यू कैन एक्सट्रैक्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस यूजिंग कोएफ फंक्शन, कोएफ फंक्शन, ठीक है, यूजिंग द कोएफ फंक्शन आइदर यू एक्सट्रैक्ट ऑल द कोएफिशिएंट्स एंड देन यू कैन से। पार्ट सी, लास्ट पार्ट, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर्स। तो अब कमेंट करो, इसके लिए हम लोग क्या रन करेंगे, समरी और फिट थ्री। क्या है अब देखो, अगेन द सेम थिंग, रेनफॉल इज अगेन इनसिग्निफिकेंट, मतलब इट्स क्लोज टू जीरो, वी कैन एक्सक्लूड रेनफॉल। तुम लोगों को ना मैं एक क्लास में बताऊंगी एआईसी नल डेवियंस रेसिडुअल डेवियंस का पूरा अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एक क्लास में। तुम लोग का लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है ना CSN में, लॉग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट नहीं है,
हाँ माइनस टू इसमें क्या हो गया ना, जी एल एम माइनस टू एल टू माइनस एल वन, माइनस टू एल टू माइनस एल वन, एल टू एंड एल वन आर द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट, लॉग लाइकलीहुड। स्केल्ड डेविएंस नहीं है, दैट इज डिफरेंट। आप लोग लॉग लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट, आप लोग वो फॉर्मूला क्यों, माइनस टू इंटू एल टू माइनस एल वन, यस मैम किया है। एल पी माइनस एल पी, एल पी प्लस क्यू माइनस एल पी है ना पेपर ए में, पेपर ए में है तो यहाँ भी होगा। ठीक है पेपर ए में की हो ना, हाँ तो हम लोग एक क्लास उसको समझेंगे। आई हैव, हो सकता है यू माइट गेट इन योर एग्जाम एज वेल, तो उस केस में नल डेविएंस ये सब सब हम लोग सीखेंगे एक क्लास में। बट यहाँ पे आप क्या क्या कमेंट कर सकते हो बोलो। तो ये पूरा आपको पेस्ट करना है, ठीक है, ये पूरा चीज आप पेस्ट करोगे एंड यहाँ पे क्या बोलेंगे अपने, हाँ व्हील, हाँ मटेरियल टाइप के लिए बोलेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है, रेनफॉल इज नॉट सिग्निफिकेंट, इंटरसेप्ट एनीवेज उसके बारे में उतना नहीं बोलते। और क्या बोल सकते हैं, आई थिंक पैरामीटर्स ही बोला है क्या खाली, अच्छा सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर्स ही बोला है, तो खाली वही लिखेंगे 2 मार्क्स के लिए, वही हम लोग को बोलना है। ठीक है तो लेट्स डू इट टिल हियर। नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद सितंबर 2019 का पेपर। ठीक है 9 पेपर्स, आज जैसे हम लोगों को कितना टाइम लगा, वी स्टार्टेड एट 11, हमने 1 o'clock ब्रेक लिया था 2 आवर्स, तो 3 आवर्स टोटल लगा टू फिनिश, बीच में 1 आवर का ब्रेक, तो 3 आवर्स टोटल लगा टू फिनिश दिस एंटायर पेपर। वील ट्राई टू ब्रिंग दिस डाउन टू 2:30, मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स, क्योंकि देखो उतना तो लगेगा बिकॉज हम लोग डिस्कस करके कर रहे हैं, अकेले अकेले नहीं कर रहे, तो 3 आवर्स इज स्टिल फाइन, बट इसको वील ट्राई टू रिड्यूस फर्दर। चलो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पेपर, बाय बाय।